ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शक्तिद्वयं हि मायायाः विक्षेपावृतिरूपकम् विक्षेपशक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतं जगत्सृजेत् सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि अब्धौ फेनादिवत्सर्व नामरूपप्रसारणा अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम् साक्षिणः पुरतो भानम् लिंगं देहेन संयुतम् चितिच्छाया समावेशात् जीवस्यात्म्याव्यावहारिकः अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते पयाति तत् तथा सर्गब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते अत्राप्यावृतिनाशेन
विभाति ब्रह्म सर्गयोः वेदस्तयोर्विकारस्यात् सर्गेन ब्रह्मणि क्वचित् अस्ति भाति प्रियं न रूपम् नाम चैत्यंश पञ्चकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् जगद्रूपं ततोद्वयम् खवायवग्निजलोर्विषु देवतिर्यं नरादिषु अभिन्ना सच्चिदानन्दाः विद्येते रूपनामनि साक्षिणः पुरतो भानम् लिङ्गं देहेन संयुतम् लिङ्गं देहेन संयुतम् चितच्छाया समावेशात् जीवस्याव्यावहारिकः जीवस्याव्यावहारिकः अपराशक्ति ही अंतः दृक्दृश्ययोः भेदं आवृणोति। सा संसारस्य कारणम्। यह जो माया की अपराशक्ति है, दूसरी शक्ति है, तो इसने हमारे भीतर दृष्टा और दृश्य के भेद को ढक दिया। तो यह जो भेद का ठीक ठीक नहीं भासना है, यही संसार का हेतु है। सा संसारस्य कारणम्, संसरणम् एव संसारः, मने संसरण का अनुभव अपने भीतर अपने में होना, यही संसार है। तो हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की है। असल में यह जो संसरण है, तो बंधन का एक बड़ा ही प्रत्यक्ष कष्टकारी अनुभव है। ये बिना विचार के तो कई बार लोग समझते नहीं, लेकिन जो हमारे भीतर प्रतिकूल अनुभूतियां होती हैं, उनकी सभी की जो जननी है वो ये संसरण की अनुभूति ही है। जब ये निश्चित है हमारे बुद्धि में कि हमको भविष्य में जाना है, तो
भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तो व्यक्ति प्रयास करता है और उसके लिए फिर कर्म करता है। कर्म में फिर धर्म भी करता है और अधर्म भी करता है। ये किसी का भी भविष्य अनिश्चित ही होता है। अज्ञात होने के कारण भविष्य के प्रति कोई भी निश्चित नहीं हो सकता। इसी अनिश्चय से असुरक्षा की भावना प्रकट होती है। एंड द फियर ऑफ फ्यूचर और इनसिक्योरिटी, ये जो असुरक्षा की अनुभूति है, प्रत्येक प्राणी के साथ ये लगी हुई है, घुन की तरह लगी हुई है, एक मानसिक रोग की तरह ये अनुभूति है। अभी तो ठीक है, जैसा भी है, आगे का कैसा? आप समझते हो इस असुरक्षा की अनुभूति को दबाने के लिए तो व्यक्ति ने परिवार बनाया, समाज बनाया, गांव बनाया, नगर बनाया, कोर्ट बनाया, पुलिस बनाई, हॉस्पिटल बनाए, आप विचार करके देखो, ये जो जितने भी हमने संस्थान खड़े किए हैं मनुष्य जाति ने, तो उन सभी संस्थानों के पीछे एक उद्देश्य ये भी है। बल्कि ऐसा कहना ज्यादा सच है कि मूल उद्देश्य यही है। ये फिर बैंक बनाए, फिक्स डिपॉजिट किए, पेंशन बनाई, यूनियन बनाई, फॉर व्हाट? जस्ट टू काउंटर द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। साथ में रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। मन जो है भविष्य में थोड़ी दौड़ लगाए बिना मानता नहीं, तो कल्पना करता है कि आगे शायद ऐसा ऐसा हो सकता है। ये दौड़ता है, भविष्य में दौड़ता है, ये उसका स्वभाव है। क्या करे, दौड़ता है और उसमें जो उसको आशंकाएं मिलती हैं तो वो अपने भीतर तौलता है कि ये अगर हो गया तो मैं उसका समाधान कैसे करूँगा। वो समाधान करने की मुझमें सामर्थ्य है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो विवल हो गया, और अगर समाधान करने की सामर्थ्य उसको लगती है कि है, तो वो थोड़ा आपेक्षिक रूप से निश्चिंत हो जाता है। सामर्थ्य की यदि अनुभूति होती हो तो निश्चिंतता आती है। यह निश्चिंतता जिसके जीवन में है उसको लोग बोलते हैं सेटल्ड हो गए, और जिसको ये निश्चिंतता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो संभावित भविष्य है तो उसका मुकाबला करने की अपने भीतर सामर्थ्य नहीं पाता व्यक्ति, तो विह्वल होता रहता है। अच्छा, तो वो कैसे
फिर समाधान करता है तो बोले धन के आश्रय से, संबंध के आश्रय से, है ना, कर्म के आश्रय से, कभी कभी संस्था के आश्रय से। परिवार भी एक संस्था ही है। माने आश्रय पराश्रय अन्याश्रय से हम अपने भविष्य को कहीं न कहीं संभालने का प्रयास करते हैं। अब वो आश्रय अगर तो ठोस मालूम पड़ता है तो व्यक्ति सेटल्ड है, और अगर वो कहीं ढीला पड़ गया तो अनसेटल्ड हो गया। तो वो बार बार सेटल्ड होता है और बार बार अनसेटल्ड होता है। जिसको हम लोग सोचते हैं कि आदमी सेटल्ड हो गया क्योंकि नौकरी लग गई, वो नौकरी अगर हायर एंड फायर वाली हो तो इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की ओर जाते हैं, जस्ट टू काउंटर द इनसिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ वो इतनी अनिश्चितता शायद नहीं है। लेकिन फिर शायद धन कम हो कंपैरेटिवली। तो ये जीवन ऐसा सबका चलता रहता है, बाहर से भेद दिखता है आपको हमको, लेकिन भीतर सबके सच्चाइयां इसी तरह की हैं। वो कब तक बना रहेगा? बोले जब तक संसरण की स्थिति बनी रहेगी। संसरण है तो भविष्य भी है। संसरण का मतलब क्या है? कि कहीं से आप निकल रहे हो और कहीं आपको पहुंचना है। तो इस संसरण की अनुभूति के कारण ही कालत्रय की अनुभूति होती है। काल में तीन विभाग नहीं होते, रास्ते में तीन विभाग नहीं होते। जिस रास्ते पे आप चल चुके वो बीता हुआ रास्ता है, जिस पर आप चल रहे हो वर्तमान हो गए, जिस पर आप नहीं चले हो वो भविष्य हो गया। अब रास्ते में अपने आप कोई आगे पीछे और विद्यमान नाम की चीज नहीं है। पीछे रास्ते में पीछे शब्द कब जुड़ेगा? जिस पर आप चल चुके हो। आगे किस में जुड़ेगा? जिस पर आप नहीं चले हो। अच्छा, आप एक कोने में बैठ के रास्ते को आगे पीछे कहो तो बनेगा? नहीं बनेगा। ये इसी तरह से काल तो कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसमें भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, है ही नहीं। ये तो जो हम संसरण करते हैं उसके कारण जिन परिस्थितियों को हमने जी लिया वो भूत हो गई। जिन परिस्थितियों को हम जी रहे हैं वो वर्तमान हैं, हाँ, और जिनको अभी जीना बाकी है वो भविष्य हैं। परिस्थितियां वर्तमान भूत भविष्य होती हैं, काल नहीं। कभी इस पर सोच के देखो। काल को तो आज तक आपने हमने देखा ही नहीं, भेंट ही नहीं हुई काल से कि वो गोरा है कि काला है। ये तो बहुत विचित्र दुनिया है। इतनी चीजें अज्ञात हैं कि जिसका हद नहीं। और वही बातें हम बोलते रहते हैं, टाइम का ध्यान रखो। अब कोई खड़ा होके पूछे टाइम क्या चीज है, बोले ये बहस मत करो, ध्यान रखो। घड़ी की सुई का ध्यान रखो।
अब सुई जो है आपने बनाई है, तो इसका मतलब काल निर्माता आप ही हो गए और मैं अपनी सुई अलग कर दूं आपकी सुई, ये मानी हुई बात है कि ये स्टैंडर्ड टाइम है, सबने उसको मान लिया। और फिर आधे घंटे पहले बांग्लादेश का टाइम होगा, ये क्या भगवान ने कहा? और आधे घंटे आगे पाकिस्तान का टाइम होगा, ये क्या भगवान बनाते हैं? यही तो व्यवहारोपपाद कह काल है, काल की एक परिभाषा दी हमारे आचार्यों ने। काल वह वस्तु है जिससे व्यवहार की सिद्धि होती है। बस अब बोलो कि भाई फोन करना है इतने बजे करना। अब ये व्यवहार अगर सिद्ध होना है तो दोनों की घड़ी में सुई एक ही जगह आनी चाहिए, ठीक। तो ऐसी मशीन दोनों के कलाई में बांध दी गई जो एक गति से चलती है क्या और दोनों की सुई बस जहां नंबर पे पहुंची तो फोन करो, तो व्यवहार सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काल को पहचानते हैं। काल क्या चीज है ये तो भेंट नहीं हुई, हमने जबरदस्ती उसको भूत भविष्य वर्तमान समझा हुआ है, माना हुआ है बिना विचारे। भूत तो परिस्थिति होती है, वर्तमान भी परिस्थिति होती है जिनको हम जी रहे हैं, और भविष्य भी परिस्थिति होती है जिनको हमको जीना बाकी है। लोग बोलते हैं लेट अस सी व्हाट इज देयर इन माय स्टोर, व्हाट इज स्टोर्ड फॉर मी। व्हाट इज स्टोर्ड फॉर मी मीन्स भविष्य में मेरे को जीने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां रखी हैं, है ना। काल थोड़ो रखा है, कौन सी परिस्थितियां रखी हैं। अब वो अनजानी रहती हैं और मन उनको जरूर थोड़ा टटोलना चाहता है, तो थोड़ा उड़ान भरता है कि कैसी होंगी, तो कुछ कल्पना कर लेता है और कुछ तोते वाले के पास पहुंच जाता है। आई टेल यू ये बिजनेस इसी तरह से चलता है, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति बनी ही रहेगी कि जरा देखा जाए भविष्य में क्या है। तो चूंकि ये वृत्ति है इसलिए एक पिजड़े में एक तोता लाओ और 40-50 लिखे हुए कागज फैलाओ, चादर आगे रखो, बस अब वो तोता बतावेगा, वो भी उसी में से बतावेगा जो उन्होंने लिख रखा है। अब ये तो दुस्साहस है कि ब्रह्मा जी ने हमारे लिए क्या क्या परिस्थिति बनाई, वो कुल 22-25 तरह की हैं। इतना कागज फैलाने की क्या जरूरत है, एक दो बता दो, शुभ है अशुभ है, बस हो गया, दो ही कागज में काम चल जाता। एनीवे महाराज संसार उसको बोलते हैं, संसरण सारी प्रतिकूल अनुभूतियों की जननी है, इसको बहुत कम लोग समझते हैं। जब तक संसरण होगा चाहे पची पची मरिए, चाहे जितनी मर्जी उठापटक कोई कर ले, जो असुरक्षा की भावना है वो पीछा छोड़ती नहीं, कर्म पीछा छोड़ता नहीं, द्वंद्व पीछा छोड़ता नहीं, देह धारण की प्रक्रिया समाप्त होती नहीं, और देह होगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों पहलवान वहां पर
हमेशा ही मौजूद रहेंगे। देखो अब देह धारण कोई करे कहे बूढ़ा नहीं होऊंगा तो फिर जवानी में गोली मारो अपने को, और क्या कर सकते व्याधि ना हो ये कैसे हो सकता है। बैठे बैठे ही घुटने में इधर उधर हो जाता है, कभी आंख में कभी कान में कभी दांत में, कोई एक दो चीजें थोड़ो हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। कल पुर्जे छोटी छोटी कोई चीज इधर से उधर हुई नहीं कि बस हरिओम तत्सत। कष्ट देने का कारखाना बन सकता है यह शरीर? नहीं बनता। जिसका स्वस्थ है भगवान की बड़ी दया, नहीं तो महाराज पहले तो मुमुक्षा को धार लगानी चाहिए इन शब्दों पर, ठीक ठीक से ध्यान करके कि हम कहाँ फंसे हैं, वो जगह कैसी है। ध्यान रखना जो लोग होश में है ना उन्हीं को मुमुक्षा होती है, जो मदहोश हैं पागल हैं, थोड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूं मैं, जो अज्ञान में बिल्कुल डूबे हुए हैं तो महाराज नाली में पड़े रहते हैं तो उनको लगता है स्वर्ग में, नहीं होता। आप कभी बारात विवाह के समय गांव में देखो, आप पड़े रहते हैं नाली में, कहाँ पड़े हैं, स्वर्ग में। वो तो जब उनको होश आएगा तब वहां से वो भागना चाहेंगे। जिज्ञासु कौन है, मुमुक्षु कौन है? जो होश में आया फिर उसी को ये मुमुक्षा होती है, बाकी तो नाली में पड़े हुए लोग। आपको कठोर लगता है तो लग जाए, अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अज्ञान का मूर्खता का ऐसा एक नशा छाया हुआ है। उनको असुरक्षा से सुरक्षित होना है ये तो समझ में आता है, लेकिन ये असुरक्षा आई कहाँ से है ना, ये नहीं समझ में आता। असुरक्षा की भावना कहाँ से आई? संसरण से आई। मुमुक्षा अगर तीव्र हो जाए तो व्यक्ति फिर छूटने के उपायों में दिल से लगता है, उस समय काटने के लिए सांदीपनी अथवा आश्रम अथवा जीवन को नहीं मानता। ये उसको छूटना है तो वो हर कीमत पर वो उपाय साधेगा जिससे उसको उसको मुक्ति मिलनी है। आप समझते हो ना, इसी को लोग बोलते हैं सिंसियरिटी। और जिसको बिल्कुल मुमुक्षा ही नहीं, पागलपन में डूबा हुआ है, उसको क्या पड़ी हुई है, उसको बस समय कटता है बस अच्छा है। कभी ऐसा भी कोई विद्यार्थी हो जाता है, समय तो महाराज कट जाएगा अपने आप ही, आपको जरूर काट देगा साथ में। आपको समय काटने की जरूरत नहीं है। कालह क्रीडति गच्छति आयु। मेरे मालिक, सो इन शब्दों पर साधकों को ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए, तब जाके बात बनती है। सा संसारस्य संसारस्य दुःखस्य बंधनस्य। संसार माने क्या हुआ फिर? दुख बंधन। ये
जो शब्द आपके दिल में ज्यादा चोट पहुंचाते हैं उन शब्दों को आप समझ लो। दुख समझ में आता है, दुख समझ लो। असुरक्षा समझ में आती है, असुरक्षा समझ लो। मृत्यु समझ में आती है तो संसार माने मृत्यु। सी, जन्म मरण का चक्कर समझ में आता है तो संसार माने जन्म मरण का चक्र। माने मैंने निवेदन किया, समस्त प्रतिकूल अनुभूतियों की जननी है ये। क्या? संसरण की अनुभूति। बस इसलिए स्वामी जी ने जो नाम दिया वो क्या नाम दिया? संसार। ये पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। अय्या, हम लोगों के ना पेट में नाभि बनी हुई है, वो इस बात का प्रमाण है। हाँ जी, क्या? कि हम लोग माँ के पेट में थे और हम लोगों का भोजन पानी सांस, हाँ, सब एक नाल से प्राप्त होता था। वो जो झिल्ली है ना, उससे आपका मुंह बंद, नाक बंद, आंख बंद। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई श्रृंखला चेन बनाई है कि इतना बढ़िया तरह से हमको कोई बांध सकता है। तिहाड़ में भी ऐसा नहीं बांधते होंगे, गले में बांध देते हैं, हाथ में बांध देते हैं, पैर में बांध देते हैं, लेकिन भगवान जब बांधते हैं तो अरे रामा, कल्पना करते हैं फिर तो बहुत मुश्किल होती है कि फिर से वही क्या। संवेदना हो तो मन विचलित हो जाता है, सांस भी नहीं ले सकते महाराज, सब कुछ बंद 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 बंद, बस गठरी बना के रख दिया पेट में एक नाल के जरिए, तो बस जो कुछ मिलना है वो मिलता है। और अगर माताजी बहुत ही समझदार हुई और उन सिगरेट पिया उन्होंने, हाँ, कहीं उन्होंने कुछ और पिया, कहीं बहुत मिर्च खाई, तो आप बोल भी नहीं सकते कि दर्द होता है। केवल बच्चा छटपटाता है तो माता कहती है कि पैर मार रहा है पेट में, हाँ, वो बेचारा छटपटा रहा है। एनीवे, क्या सुबह सुबह आपको हम कष्ट दें, लेकिन वो सच्चाई है। चाहे आप उससे जितना आंख फेरो, सच्चाई तो वही है। कोई वश नहीं है, ये जो दुर्व्यसनी जननी है वो बालक को कितना कष्ट देती है आप सोच नहीं सकते। ऐत्री उपनिषद में लिखा, सा भावयित्री भावयिता हि सा, तो वहां भाष्यकार ने भाष्य लिखा कि वो भावयिता है, बच्चे का पालन पोषण करती है। कैसे? उचित आहार से, उचित पान से, उचित शयन से। ये कहा है, और क्या? वो बाकी काम तो भगवान ही करते हैं। बोले तुम कम से कम उस समय, हाँ, इतना ही कर लो तो समझो तुम बच्चे को पाल रही हो। ये न करो कि फूंकती रहो दिन भर और फिर डिस्को में चले जाओ, वो बेचारे का क्या होगा वो सोचो जरा। लेकिन हमारा क्या वश है? अगर एक बार हम उदर निवासी हो गए, आश्रम निवासी नहीं, कहाँ के उदर निवासी,
एक बार हम हो गए तो फिर हमारा बस क्या है उसमें। तो भगवान भाष्यकार को कभी ऐसी वेदना होती है, बोले पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से। तब शब्द लिखा इह संसारे, संसारे शब्द लिखा ना, इह संसारे बहु दुस्तारे। तब हाथ उठाया विनती की, कृपया पारे पाहि मुरारे। अरे प्रयास करना चाहिए, नाली में पियक्कड़ की तरह पड़े नहीं रहना चाहिए। समझना चाहिए कि हम कहाँ पड़े हैं, तब जो प्रयास होना चाहिए दिल लगा के कर डालना चाहिए, उसको बस उसको टालना और इनसिंसियर होना और प्रमादी होना ये पागलपन की निशानी है, मदहोश हैं लोग। भाष्यकार तो हम लोगों पर बहुत नाराज होते हैं, जो लोग थोड़े से समझने अमझने लग गए, मानो भगवान ने उनको ये व्यवस्था भी दे दी, उनके ऊपर बहुत क्रुद्ध होते हैं। बोले पश्यन नपि न तु पश्यति मूढ़ा, बोले इसको दिखाई देता है फिर भी नहीं देखता, मूर्ख है, दीवाना हो जाता है अपने पुराने संस्कारों के प्रभाव में आके, तो दीवाना होता है, प्रमादी होता है, जो करना है वो नहीं करता, जो नहीं करना है वो करता है। हम लोगों पर बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं। सा संसारस्य कारणा, ये आवरण शक्ति जो है ना, ये बंधन का मूल कारण है, विक्षेप शक्ति नहीं। बोले महाराज ये जो भीतर आपने कहा दृष्टा और दृश्य के भेद को ढक देना, इसको जरा खोलिए। भीतर दृष्टा और दृश्य के भेद को इस आवरण शक्ति ने क्या किया, ढक दिया, इसको जरा खोल दीजिए। बोले सुनो जीव के कहते किसको है। अब ये 16वां जो श्लोक है वो आप समझिए, जीव की एक पूर्ण परिभाषा है, परफेक्ट डेफिनेशन। आपने 12वां श्लोक पढ़ा था, बिना पन्ना पलटे कौन बोल सकता है, मनोहंकृत्युपादानम आशीष महात्मा बोलो, नहीं मनोहंकृत्युपादानम लिंगम एकम जडात्मकम अवस्थात्रयम अन्वेति जायते। सुलिंगम एकम 12वां श्लोक में कहा गया कि यह एक लिंग शरीर है, जड़ है, और वही पांचों अवस्थाओं को प्राप्त करता है, नहीं जानता नहीं, पांचों अवस्थाओं को प्राप्त करता है। अवस्थात्रयम मनवेति जायते और म्रियते, ये हुआ जीव 12वां श्लोक। कभी आप जो ना सच में साधक हो जाओगे तब इन श्लोकों की कीमत समझ में आएगी। जीव के बारे में जितना साफ सुथरे ढंग से हमारे स्वामी जी बताते हैं, रत्न है ये, यहां होना चाहिए और यहां उसका असर होना चाहिए। अब 16वें श्लोक में पूरी परिभाषा की, लोग जीव 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 बोलते रहते हैं, जीव की परिभाषा 16वें श्लोक में याद कर लेना। इसको क्या लिखते हैं, साक्षिणः पुरतो भानम लिंगम देहेन संयुतम
चितिच्छाया समावेशात जीवस्यात व्यावहारिकः। ओहो प्यारा है, क्या बोलते हैं? जीवस्यात व्यावहारिकः, जीव जो है ना व्यावहारिक जीव हो जाता है। कब होता है? तो बोले असल में जीवत्व की सिद्धि के लिए व्यावहारिक जीव की सिद्धि के लिए चार घटकों की आवश्यकता है। इट हैज फोर कंपोनेंट्स, फोर फैक्टर्स इन इट। जीव किसी एक अकेली वस्तु का नाम नहीं है। सबसे पहले क्या है? बोले साक्षिणः पुरतो भानम्, साक्षी तत्व का पहले से भान है। साक्षिणः भानम् पुरतः, साक्षिणः ये षष्ठी एकवचन है। साक्षिणः पुरतो भानम्, अन्वय कैसे करेंगे? साक्षिणः भानम् पुरतः, पुरतः माने पहले से है। क्यों पहले से है? नहीं, पहले से क्यों है? क्योंकि नो देति नास्तमेत्येषा, चेतनत्वात् चिन्मय तत्व होने के नाते उसका कभी अभान होता ही नहीं। थोड़ा बेस बढ़ाएं और आवाज कम करें। तो साक्षिणः बेटर, बेटर ना आवाज पहले से बेहतर है? साक्षिणः पुरतो भानम्, तो ध्यान दें साक्षिणः भानम् पुरतः, साक्षी का भान पहले से ही है, रहेगा। गुड। अब उसकी अधिष्ठानता में, उसकी स्वप्रकाशता में, उसकी चिन्मयता में तीन चीजें और हैं। क्या हैं वो? तो बोले लिंगम। लिंगम माने सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर माने मूलतः मन और अहंकार। गुड। मनोहंकृति, बस मूलतः मन और अहंकार। तो साक्षी का पहले से भान है, फिर उसी की अधिष्ठानता में, उसी के प्रकाश में, तो मन नाम की एक चीज है, अहंकार नाम की एक चीज है, लिंगम। फिर वह सूक्ष्म शरीर जीव की सिद्धि नहीं कर सकता। आवाज नहीं करो। देहेन संयुतम, फिर वो स्थूल शरीर के साथ जुड़ेगा। देखो लिंगम अलग है, देहेन अलग है। यहां पर तो सूक्ष्म शरीर फिर स्थूल शरीर के साथ संयुतम जुड़ेगा। क्या होगा फिर? तो फिर भी जीव की सिद्धि नहीं होती। तो अब चौथा घटक आया, चितिच्छाया समावेशात। तो फिर उसी सूक्ष्म शरीर में अथवा उसी मन में, बुद्धि में, जो भी शब्द कह लीजिए, उसमें जब चेतन की छाया, चेतन का प्रतिबिंब पड़ेगा, फिर वह लिंग शरीर सजीव होकर के देह के साथ जुड़ेगा, तो फिर देह भी
सजीव होगा तब जीवस्यात् व्यावहारिकः, तब जीव व्यावहारिक जीव बन जाएगा। सो व्यावहारिक जीव की सिद्धि के लिए चार चीजें चाहिए। एक तो ये कि पहले से साक्षी का भान हो, वो तो है ही है, वो तो पहले से है, साक्षिण पुरतो भानम। फिर उसकी अधिष्ठानता में, उसकी चिन्मयी अधिष्ठानता में, उसकी प्रकाशमयी अधिष्ठानता में, फिर ये तीन चीज चाहिए। क्या? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में चेतन की छाया, साक्षी की छाया। ये तो बोले देखो साधक, इस पर कुछ मनन करो और भीतर इसको टटोलो कि जीवत्व ऐसा ही है कि नहीं है। इनमें से कोई भी एक फैक्टर अगर आप निकाल लोगे तो व्यावहारिक जीवत्व की सिद्धि नहीं हो सकेगी। मानो स्थूल शरीर को निकाल दो तो जीवत्व की सिद्धि भले हो जाए, लेकिन लेकिन व्यावहारिक जीवत्व की सिद्धि नहीं होगी। व्यवहार का जो हेतु है वो ये स्थूल शरीर है। अगर किसी जीव को हमें प्यार करना हो, सम्मानित करना हो, तो मैं तो किसी जीव को सम्मानित नहीं कर सकता। मुझे मानो चंदन टीका लगानी है तो शरीर चाहिए, मुझे माला पहनाना है किसी को तो शरीर चाहिए। ये देखो, किसी को दंड देना हो तो भी जीव पर तो डंडा नहीं मार सकते, वो तो डंडा तो शरीर पर ही पड़ेगा, भोगा यतनम यही है, मिलेगा जीव को, नो डाउट अबाउट। और अगर जीव कहीं क्विट कर गया, बेहोश हो गया, माने क्विट कर गया माने बेहोश हो गया, तो डंडा मारना बंद कर देते हैं, बोले रुको रुको उसको बाहर लाओ पहले। किसको? जो देह वाला है तो उसको पानी के छींटे दिया, इसलिए नहीं कि आपको ठंडा करना है। इसलिए कि वो जो भागा हुआ जीव है उसको वापस लाओ, जाते किधर हो लो। सो व्यवहार बिना देह के संभव ही नहीं है। जीव को सीधे आप भोजन नहीं करा सकते, पानी नहीं पिला सकते, ऐसी हालत है। तो यहां शब्द देखो कितना जबरदस्त लिखा स्वामी जी ने, जीवस्यात् व्यावहारिक। व्यावहारिक जीव तभी बनता है जब उसके पास शरीर भी होवे। अच्छा, मानो शरीर हो और लिंग शरीर ना हो तो मुर्दा, उसको मुर्दा बोलते हैं। फूंक दियो जैसे फागुन की होली। कबीर ने ऐसे बोला महाराज, बोले हमारे संबंधी इतना प्रेम करते थे, आज उठा के महाराज ऐसा फूंक दिया जैसे फागुन की होली। लव तो लिंग शरीर न हो उस शरीर में, देह में तो गया, व्यवहार क्या करेगा। अच्छा, लिंग शरीर होवे, स्थूल शरीर भी मान लो होवे थोड़ी देर के लिए, चित छाया न हो तो जड़ात्मकम व्यवहार क्या करेगा। तो चितित छाया समावेशात जीव स्यात्, अन्यथा जीवः न स्यात्।
चितिच्छाया समावेशात् जीवस्यात् व्यावहारिकः। अब देखो, इस जीव को जीवन देने के लिए और सत्ता देने के लिए ध्यान देना इसमें, जीवन देने के लिए और सत्ता भी देने के लिए साक्षी चाहिए। साक्षी से ही प्रतिबिंब आया और स्वतः असत होने के कारण नारायण। सत्ता कहां से आई? बोले उसी साक्षी से आई। सर्प में जो जीवन है वो भी रज्जू से आया है। और सर्प में जो सत्ता है वो भी रज्जू से ही आई है। रज्जू की सत्ता से ही सर्प सत लगता है। ये है सत्ता भी आगंतुक है, केवल चेतना आगंतुक नहीं है बल्कि सत्ता भी आगंतुक है। सत्ता और जीवन का स्रोत साक्षी महाराज। और ये जो तीन हुए ये तो जीव के घटक हैं, तो क्या निर्णय निकला? निर्णय ये निकला कि जो जिसको आप जीव 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 बोलते हो वो एक संघात है, वो एक वस्तु का नाम नहीं है। समझ में आया? संघात है माने कई चीजों का संघटनम, कई चीजें तो मिल करके बनी हैं। वो क्या चीजें हैं? बोले वो तीन चीजें हैं। चौथे को संघात का घटक नहीं समझ लेना। चौथा तो क्या है? अधिष्ठान है, चिन्मय अधिष्ठान है। चेतन अधिष्ठान के अंदर ये तीनों, इस अधिष्ठान पर ये तीनों। साक्षी इस संघात का एक घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। साक्षी क्या है? बोले असंभत है। असंभत बोलते हैं, असंभत माने संघात का हिस्सा नहीं है ये। अच्छा, तो ये रहा जीव। अब इस पर ध्यान किया। बोलते हैं ध्यान, वेदांत का ध्यान कैसे करना? बोले इन्हीं चीजों को भीतर अनुभव करना, समझना, प्रत्यक्षीकरण करना। वेदांत का ध्यान इसी को बोलते हैं। वृत्ति को रोक लेना वो भी एक ध्यान होता है ना। धारणा कर लो, बहुत सारी चीजें ध्यान कहलाती हैं, लेकिन जब कोई वेदांत का ध्यान कर रहा हो तो उसका अभिप्राय है जो आपको शास्त्र में आपके बारे में कहा गया उसको आप देख लो, नहीं तो वो परोक्ष बना रहेगा, नहीं तो वो शास्त्र का सच बना रहेगा, बचेगा नहीं। तो देखो भीतर, तो ये चारों मिल जाएंगे आपको। नारायण, ये स्थिति है। बोले अच्छा, तो ये तो रहा जीव। तो दुर्घटना क्या घटी? बोले 17वां श्लोक देखिए, दुर्घटना वहां घटी। बोले अस्य जीवत्वम, अब ये सूक्ष्मतर विषय में हमारे स्वामी जी ले गए हमको। अस्य जीवत्वम, अस्य माने अभी अभी जिसका वर्णन किया गया,
नाम के बाद सर्वनाम होता है। तो अभी अभी जिस जीव की व्याख्या की गई, जिस जीव का विवरण किया गया, उसी जीव का जीवत्व, अस्य जीवत्वम आरोपात साक्षिणी अपि अवभासते। बोले अब देखो ये गड़बड़ हो गई भाई साधक महाराज, कि इस जीव का जो जीवत्व है वो साक्षी पर भी भासता है, माने साक्षी साक्षी होकर के नहीं भास रहा है, जीव होकर के भास रहा है। हमें अनुभव में आता ही नहीं है कि कोई साक्षी है। बोले नहीं ऐसा तो नहीं है, हमें मालूम तो पड़ता है कि कोई साक्षी है। बोले मालूम पड़ता है, कैसे मालूम पड़ता है बताओ। बोले हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पास मन है, मन में वृत्तियां हैं, आती हैं जाती हैं, क्रोध है, काम है, संकल्प है, संदेह है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है। तो हमको ही मालूम है कि हमारे भीतर ये वृत्तियां हैं। अच्छा, आपको मालूम पड़ता है तो आप उसके जानकार हो। बोले हाँ। तो जब आपको मालूम पड़ता है कि क्रोध वृत्ति होती है, क्रोध है, तो उस समय आप क्रोध के ज्ञाता क्रोधी हो या क्या हो? श्रद्धा जब हमारे भीतर होती है, मैं जानता हूं कि मेरे भीतर इस समय क्या है, श्रद्धा है, तो मैं कौन हुआ? श्रद्धालु। साक्षी हुए कि श्रद्धालु हुए? देखो फर्क आया कि नहीं आया। देखो जब हम जानते हैं कि हमारे भीतर इस समय काम की वृत्तियां उठ रही हैं, तो उस समय हम कामी होते हैं, जानते भी हैं और कामी भी होते हैं। ये देखो। और जब वैराग्य की वृत्ति आती है, वितृष्णा की वृत्ति आती है, तो हम जानते भी हैं कि इस समय इन चीजों में हमारी बिल्कुल ही अरुचि है। और मैं कैसा हूं? बोले विरागी हूं। तो साक्षी किधर हुए प्रभु आप? ये अपने ही से अपना संवाद होना चाहिए। कुछ लोग तो साधक बन ही जाएंगे, सब न बने, और कुछ लोग जो बचे होंगे वो भी शायद मरने तक बन जाएं या अगले जन्म में मने ये व्यर्थ तो जाएगा नहीं महाराज। बीज ऐसा है ना, ये जब जब जमीन में गीला पनावेगा तब जग ही जाएगा। अभी बंजर पड़ी हो तो जमीन बीज का दोष नहीं है, ये तो व्यर्थ जा नहीं सकता। ओ महाराज, तो ये बहुत जल्दी है कह देना कि मैं तो साक्षी। कैसा साक्षी? संदेह जब सताता है तब आप कौन होते हो? साक्षी। तब आप होते हो संशय ग्रस्त। क्या शब्द है? ग्रस्त। हाँ, संशय ने क्या कर लिया? ग्रस लिया, सांप की तरह डस लिया महाराज। फिर मन ही नहीं लगता। एक बार संशय हो जाए कि इस दूध में कुछ मिला हुआ है, फिर देखो आप। बोले मैं तो साक्षी हूं, पियो। हो नहीं सकता।
दवाइयां कई थीं, और नवल जैसा लड़का हो तो रंग से पहचानता है कि ये लाल वाली अब देनी है, पीली वाली अब देनी है। अब डॉक्टर ने ऐसी कोई दवाई लिख दी जिसमें दोनों का रंग लाल हो, खोलने पर पहले तो दोनों की पुड़िया अलग थी, तब तक तो पहचानता था वो। अब मान लो खोल लिया, कटोरी में रख दिया, अब दोनों का ही रंग लाल निकल आया, अब वो कंफ्यूज हो गया, संशय ग्रस्त। जब तक ये संशय रहेगा वो दवाई देगा क्या? नहीं दे सकता। अगर वो लायक है तो नहीं दे सकता, फिर फेंक ही देना चाहिए उसको, तो फिर दूसरी पुड़िया खोलनी पड़ेगी उसको। तो संशय तो बिल्कुल आपके प्रवृत्ति को रोक देता है महाराज। यही है, केवल सुनने को रोक देता है ऐसा नहीं, खाने को रोक देता है, पीने को रोक देता है, चलने को रोक देता है। अगर रास्ते में संशय हो गया कि इधर मुड़ना था कि इधर, यार बोलो, रुक जाएंगे आप। जब साधारण स्थूल क्रिया की का निरोध हो जाता है तो वेदांत तो सुनने की क्रिया तो कौन करेगा महाराज? संशय आत्मा बोले, नहीं मैं संशय वृत्ति का केवल साक्षी हूं। ढोंग न करो महाराज, कैसी सोस क्या है? बोले साक्षी मालूम पड़ता है क्या? नहीं, ज्ञाता मालूम पड़ता है। मैं ज्ञाता हूं किसका? वृत्तियों का। केवल ज्ञाता हो? बोले नहीं, वृत्तियों का संचालक भी हूं। वेरी गुड। नहीं हूं, ये वृत्ति चाहिए और ये वृत्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सोचना है और ऐसा नहीं सोचना है। तो वृत्तियों का संचालक हो कि नहीं हो? है, पक्का है, कैसे मना कर सकते हो? भीतर की सच्चाई को स्वीकार करके फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप प्राण के संचालक होकर के प्राणायामी बनते हो, प्राण निग्रह करते हो, वैसे ही मन के भी संचालक हो करके मनोनिग्रह करते हो। नहीं तो शम शम कहां से आता? शम की परिभाषा क्या की आपने? मनोनिग्रह। अनुभव से देखा जाता है कि बहुत बार हम कहते हैं नहीं, ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है, फिर हम विषय बदल देते हैं और हो जाता है। तो हम उन वृत्तियों के केवल ज्ञाता नहीं हैं, संचालक भी हैं और उन वृत्तियों के अभिमानी भी हैं। अभिमानी माने उनका वाला बन जाते हैं, क्रोध वाला, श्रद्धा वाला। तो ये जो अभिमानी है, संचालक है, ज्ञाता है, क्या यही साक्षी है? अरे साक्षी तो फिर असंग बोला था, निराकार, असंग, निर्विकार, एक रस, चिन्मय, आनंद स्वरूप बोला था ना। 9-10 लक्षण उस समय महिमा में चर्चा हुई थी। तो साक्षी तो वो है, तो ये कहां से आ गया? बोले अब खोजो कहां से आया, अब हम क्या बोले? भीतर ही तो है, संचालक भी है, ज्ञाता भी है, अभिमानी भी है, भोक्ता भी है, फिर कर्ता भी है। ये संचालक में ही कर्तृत्व तो होता है, जो हटा बढ़ा रहा है
उसको तो बोलते हैं सर कर्ता, और कौन है? तो बोले महाराज यही तो मालूम पड़ता है, कोई असंग निराकार चेतन आनंद स्वरूप है, ऐसी कोई सत्ता तो मालूम नहीं पड़ती। तो वो कहाँ गया फिर साक्षी? बोले कहाँ गया, क्या बेचारा वो भी अपराधी सिद्ध हो गया है? जीवत्वम साक्षिणी अपि अवभासते, पंक्ति देखो, अरे ये सब भी भासने लगता है किस पर? साक्षी पर। तो जब साक्षी में भी भासने लग गया तो साक्षी साक्षी की तरह नहीं भासता है, साक्षी लेकिन साक्षी साक्षी की तरह नहीं भासता। बोले अरे साक्षी में भी ये सब भासने लग गया, ये किसने अपराध किया? बोले ये आरोपात, ये कोई साक्षी का धर्म नहीं है लेकिन कैसा है, आरोप के कारण ऐसा हो गया। पंक्ति देखो, अस्य जीवत्वम आरोपात साक्षिणी अपि अवभासते। भगवान भाष्यकार ने कठोपनिषद के भाष्य में एक जगह लिखा, नमन नमन बार बार है ना, ये अंदर की गांठ कौन खोले भाष्यकार ना होते तो। क्योंकि उपनिषद ने लिख दिया ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, ऋतम पिबंतो बोले भीतर कर्मों के फल को दो लोग पी रहे हैं, पिबंतो द्विवचन है, बोले दोनों ही भोक्ता हो गए फिर तो। ऋतम पिबंतो, ये दो पीने वाले, किसको? कर्म फल को। ओके, तो भाष्यकार ने कहा भाई पीने वाले दोनों तो नहीं है, एक है, क्योंकि दूसरी श्रुति ने कहा तयोहो एकम पिप्पलम स्वादवत्ती अन्यः एकः अभिचा कशीति, अनस्नन एकः अभिचा कशीति द्वासुपर्णा सयुजा सखाया। बोले दो पक्षी हैं, उसमें से एक तो भोग करता है, दूसरा भोग नहीं करता, केवल देखता है, ये लिखा श्रुति में। और यहां दूसरी श्रुति ने आके कह दिया क्या कि दोनों पीते, ऋतम पिबंतौ, तो दोनों ही भोगता हो गए फिर तो, भोगता होने से दोनों ही संसारी हो गए। अरे रामा, तो भाष्यकार ने कहा नहीं नहीं ये दोनों तो भोक्ता बिल्कुल नहीं है। फिर कैसे कहा ये? तो भाष्यकार बोलते हैं कि पानी बरस रहा था और छाता में दो आदमी जा रहे थे, तो दूर से कोई बरांडे में से बोला देखो ये छाते वाले जा रहे हैं, दोनों को बुलाओ। अब उसमें से जो छाता वाला है वो एक ही है नहीं है, छाता दो आदमी ने पकड़ रखा है, छाता एक आदमी ने पकड़ रखा है, चूंकि दूसरा उसी के निकट है इसलिए दोनों को ही छाता वाला कहा जा रहा है। वास्तव में छाता वाला क्या एक है। अरे रामा, तो भाष्यकार लिखते हैं छत्री न्यायेन, छत्री न्यायेन बोल मत बोल देना, ये असली वाला जो तुम लोगों वाला छत्री है, छत्री न्यायेन छाता के न्याय से यहां दोनों को ही भोक्ता कह दिया गया, क्योंकि दोनों सन्निधि में हैं। तो यहां क्या लिखा, जीव का जीवत्व
तत्व किसमें भासित हो रहा है? साक्षी में। अब जीवत्व अगर साक्षी में भी भासने लग गया तो साक्षी की महिमा लुप्त हो गई, साक्षी की महिमा का अदर्शन हो गया। अस्य जीवत्वम आरोपात। ध्यान रखना, साक्षी की महिमा नष्ट नहीं हो सकती। क्या हुआ? अदर्शन हो गया, लोप हो गया, अनुपलब्धि हो गई उसकी। अस्य जीवत्वम आरोपात। साक्षिणी अपि। अरे जीव में भासे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहाँ हो रहा है? साक्षिणी अपि। अपि का मतलब क्या है कि जीव में जीवत्व भासे तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साक्षिणी अपि अब भासते, ये साक्षी में भी भासने लगा। बोले ये किसने किया? बोले वो जो आपकी प्यारी प्यारी सी अपरा शक्ति है ना, उसी ने ये भेद ढक दिया। अस्य जीवत्वमारोपात साक्षिणी अपि अवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम। देखो वो जो आवरण पड़ा हुआ है दृष्टा दृश्य के बीच में, जब वो नष्ट होगा, आवृतौ तु विनष्टायाम सती, सती सप्तमी का प्रयोग है, आवृतौ भी सप्तमी में है और विनष्टायाम भी सप्तमी में है। उसका अर्थ है कि ऐसा होने पर आवृत्ति के नष्ट हो जाने पर क्या होगा? भेदे भाते। पंक्ति देखना, भेदे भाते, भेद का भान होने पर, यह भी सती सप्तमी, भेदे भाते सती, आवरण का भंग होने पर, फिर भेद का भान होने पर अपयाति तत् माने वो जो आरोप लगा हुआ था वो आरोप नष्ट होता है, छूट जाता है बेचारा साक्षी। तब जाके आरोप मुक्त होता है वो। तो वेदांत में असली जो फल घटित होना है, असली जो घटना घटित होनी है, वो यहीं पर घटित होनी है कि जीवत्व का जो साक्षी में आरोप हो रहा है, यह आरोप भेद का ज्ञान हो जाने पर मिट जाना चाहिए। मैं आपको पीछे ले जाता हूं। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा था तीन प्रकार के तादात्म्य हैं, और तीनों प्रकार के तादात्म्यों की अलग अलग प्रकार से निवृत्ति होती है। तो उन्होंने क्या बोला था कि बाकी दो जो तादात्म्य हैं उनकी निवृत्ति में पुरुषार्थ की सार्थकता नहीं है। पागल, ध्यान रखा करो पहले बोलने के पहले। क्या बोलते हैं? अब कर्मज तादात्म्य है तो उसमें तुम पुरुषार्थ क्या करोगे? वो तो कर्म क्षयात्। और जो सहज तादात्म्य है उसको तुम दूर ही नहीं कर सकते तो पुरुषार्थ क्या करना? थोड़ा ध्यान रखा करो। जल्दीबाजी में कोई विचार नहीं होता। संबंधिनो सतोर नास्ति निवृत्ति सहजस्य तु कर्म क्षयात्। तो जो दो तादात्म्य हैं उनको छुड़ाने में साधक की कोई साधना नहीं चाहिए। तो बोले सारी साधना है कहाँ? प्रबोधाच्च निवर्तेते क्रमादुभे। जो असली साधना है वो ये है कि
भ्रांति जन्य जो तादात्म्य है वो प्रबोध से छूटे। अच्छा, वो भ्रांति जन्य तादात्म्य है क्या, किसके किसके बीच में? तो बोले बोले साक्षी और अहंकार के बीच में है। अहंकार से तादात्म्यम चिच्छाया देह साक्षी भी सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम च त्रिविधम क्रमात् भ्रांतिजन्यम तादात्म्य। सो अहंकार और साक्षी के साथ जो भ्रांतिजन्य तादात्म्य है हाँ, वो छूटना चाहिए। ये आठवां नवा श्लोक है ना, आठवां नवा श्लोक वो आकर के सत्रहवें श्लोक में घटित हुआ। देखो, इसलिए मैं कहता हूं ग्रंथ जितना याद हो जाए याद हो जाए, इसको जो लोग समझ सकेंगे उनको लाभ होगा, जो नहीं समझ सकेंगे उनको क्या कहना, क्योंकि उसके बिना तो सब पढ़ते ही हैं, ऐसा थोड़ो है। लेकिन जो याद करते हैं वो कोई मूर्ख लोग नहीं है, उनको भी भगवान ने तो ग्रंथ धारण होना चाहिए। तो वहां जो तादात्म्य दिया गया भ्रांति जन्यम, उसको सत्रहवें श्लोक में कहा गया जीवत्वम आरोपात साक्षिणी अपि अवभासते। तो वहां भी कहा गया कि पुरुषार्थ का एक ही क्षेत्र बचता है, क्या? भ्रांति जन्य तादात्म को काटना। और यहां भी कहा गया आवृतौ तु विनष्टाया भेदे भाते, भेद नष्ट हुआ अपयाति तत् जीवत्व, ऐसे छूमंतर हो गया। अपयाति तत् जीवत्व भंग हो गया महाराज। ये जीवत्व भंग हुआ तो संसारी मर गया, संसारी मर गया तो संसार खत्म, मामला खत्म, छुट्टी। सारे साधना का, सारे पुरुषार्थ का जो चरम फल है वो यही है, आवरण भंग है ना, भ्रांति जन्य तादात्म का छेदन। ओहो, बोले अच्छा, ये भीतर वाला भेद का तो निरूपण हो गया। आपने कहा था कि बाहर भी ऐसा ही एक आवरण और पड़ा हुआ है, तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च, ये लिखा, वैसे ही सर्ग और ब्रह्म में भेदम आवृत्य तिष्ठति, अरे राम राम न चलति इतः ततः। जैसे भीतर वैसे ही बाहर इस अपराशक्ति ने सर्ग और ब्रह्म के भेद को आवृत्य ढक करके क्या करती है, क्या करती है, तिष्ठति, ये वहीं रहती है। तो उससे क्या फर्क पड़ गया? बोले उससे ये फर्क पड़ा कि ब्रह्म विकारी भासने लगा। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्ति ही तद्वशात, इसके कारण तद्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते, इसलिए फिर ब्रह्म विकारी रूप से भासता है। तो साक्षी हो गया जीव और ब्रह्म हो गया क्या, विकारी। क्या कमाल किया है इस माता जी ने महाराज।
कोई छोटे मोटे को शिकार नहीं बनाया, बड़े बड़े लोगों को बनाया, महाराज साक्षी को बनाया, जीव और ब्रह्म को बनाया। विकारी, कल देखेंगे इस श्लोक को। अरे साधो अकथ कहानी। ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।